हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में आओ सीखें ग्रामर में नॉन फाइनेट्स पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। हमारी अन्य वीडियोज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेट्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेट तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक पार्टिसिपल, नंबर दो इंफिनिटिव, नंबर तीन जीरंड। इस वीडियो में स्पेशली पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे, इंफिनिटिव्स और जीरंड की वीडियो बाद में आएगी। आइए शुरू करते हैं। पार्टिसिपल डेफिनेशन, दैट वर्ड इज पार्टली ए वर्ब एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल, यानी कि जो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के जैसा कार्य करता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पार्टिसिपल कभी कहीं वर्ब की तरह और कहीं एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। आई सॉ ए बीपिंग बॉय, नेक्स्ट ही इज बीपिंग। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, दैट पार्टिसिपल विच रिफर्स टू द इनकम्प्लीट एक्शन इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वह पार्टिसिपल जो अपूर्ण कार्य का बोध कराता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि इसमें कार्य हो तो रहा होता है लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं हुआ होता है, अपूर्ण रहता है, कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। यहाँ पर लेटर को लिखने का कार्य जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल देखें कहाँ कहाँ यूज होता है। नंबर एक, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंटिन्यूअस टेंस बनाने में प्रयोग करते हैं, जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, आई एम गोइंग टू स्कूल। दोनों जो सेंटेंस हैं वो कंटिन्यूअस टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। दूसरा यूज इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में होता है, आई सा ए फ्लाइंग बर्ड, मोहन सा ए बीपिंग बॉय। दोनों सेंटेंसेस में फ्लाइंग और बीपिंग एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी, मोहन ने एक रोता हुआ लड़का देखा, तो दोनों एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहे हैं। सी स्मेल फीड नियर वॉच नोटिस आदि जो वर्ब हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है सामान्यतः। जैसे आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे रोड को क्रॉस करते हुए देखा। अब देखें पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, दैट पार्टिसिपल विच रिफर्स टू द कंप्लीट एक्शन इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल, यानी इसमें क्या है, इस पार्टिसिपल से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए ब्रोकन टेबल, मैंने टूटी हुई मेज देखी। अब देखें पार्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ होता है। नंबर एक, परफेक्ट टेंस बनाने में, सचिन हैड डन हिज वर्क, सचिन अपना काम कर चुका था, तो यहाँ पे इसे परफेक्ट के रूप में हुआ है यूज। एडजेक्टिव के रूप में देखें पार्ट पार्टिसिपल का यूज, आई सॉ ए टायर्ड मैन, मैंने थका हुआ आदमी देखा, टायर्ड, यहाँ पे टायर्ड का एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में क्या होता है, Having plus verb की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट का ऑब्जेक्ट आता है। देखें फॉर एग्जाम्पल, Having taken tea, he went to school, ये चाय पीने के बाद वह स्कूल गया, चाय पी उसके बाद वह स्कूल गया। Having gone home, घर जाने के बाद she took a cup of tea, उसने एक कप चाय पी। इन सेंटेंसेस में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। अब देखें सम अदर एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपल, रिलेटेड पार्टिसिपल। सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। व्हाइल रीडिंग, आई फेल एज स्लीप, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। व्हाइल रीडिंग, आई फेल एज स्लीप। आई सॉ ए बेगर लाइंग बाय रोड साइड, मैंने एक भिखारी को देखा रोड की साइड में लेटा हुआ था। आई सॉ ए बेगर लाइंग बाय रोड साइड। थैंक यू वेरी मच।